हेलो व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग फिजिक्स विद मोहम्मद अरफात खान। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टिविटी, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, रेजिस्टिविटी को फिलहाल मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कहीं पर भी हेडिंग के तौर पे नहीं लिखा, वो इस वजह से कि उससे पहले मैं चंद आपके सेकंड्स जो है वो लेता हूँ। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में आपको मुझे एक बात बतानी है कि वो ये कि रेजिस्टेंस जो होती है वो किसी भी कंडक्टर की किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर नंबर वाइज लिखे हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स, एंड दो थ्री फैक्टर्स आर, नंबर वन इज डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर। डायमेंशंस के अंदर दो चीज आ जाती हैं, कंडक्टर की लेंथ कितनी है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, कंडक्टर का टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस। ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को कम करने से, किसका, कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कंडक्टर के टेम्परेचर को कम करोगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी उसी कंडक्टर की चेंज हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर जिस पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का वायर है, ठीक है, देन गोल्ड का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, टंगस्टन का वायर है, मतलब अगर आप कंडक्टर की नेचर को चेंज कर रहे हैं इट मींस यू आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस एज वेल। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो तीन फैक्टर्स क्या, डायमेंशंस, डायमेंशंस में दो चीज आ जाती हैं, उसकी लेंथ और एरिया, दूसरी चीज टेम्परेचर, एंड नंबर थ्री इज नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके। रेजिस्टेंस के वो तीन पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा है रेजिस्टिविटी। याद है उन तीन पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा था डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर वाला, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, सबसे पहला पॉइंट लिखा था हम लोगों ने। ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ उन्हीं दो पॉइंट से, बेसिकली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। देखिए, आपके सामने दो कंडीशंस मैंने बनाई हैं। देखो, दो कंडक्टर्स आपके सामने बने हुए डायग्राम के अंदर। अच्छा, अगर इन दोनों कंडक्टर्स को नोट किया जाए तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों कंडक्टर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सेम है, मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले कंडक्टर का भी है। फिर फर्क क्या है, फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। फर्क यही क्या है कि एक कंडक्टर की जो ऊपर बना हुआ है उसकी लेंथ कम है और जो नीचे बना हुआ है कंडक्टर उसकी लेंथ ज्यादा है। ओके। लेंथ कम होने का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, इसकी लेंथ ज्यादा होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। ओके। जब हम अलाउ करेंगे इन दोनों कंडक्टर्स में से अलग-अलग के करंट फ्लो करे तो हमें पता है मोर कोलिजन्स, ज्यादा कोलिजन्स कौन से वाले कंडक्टर में होगी, जिसमें एटम्स ज्यादा होंगे। हमने लास्ट वाले लेक्चर में यही समझा था कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब भी कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा रहे होते हैं तो वो बार बार कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ, इस चीज को हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। तो मैं कहूंगा अगर एटम्स ज्यादा तो कोलिजन्स ज्यादा, कोलिजन्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ कम है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है तो इसमें कोलिजन्स भी कम है। ओके। इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो इसमें कोलिजन्स उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी। तो आसानी से आप ये बता सकते हैं कि लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ के कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। दैट इज व्हाट ऑल दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट। अच्छा, लिखा हुआ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। एक चीज बढ़ाओ दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम कर दो दूसरी भी चीज कम हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको यू करके लिखते हैं कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल होती है, कौन सी वाली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी कंडक्टर की लेंथ के साथ। ठीक है। सिंबॉलिकली लिखते हैं, सिंबॉलिकली का मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, एंड लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल। हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ओके। इसी तरीके से हमारे पास एक डायग्राम ये भी बनी हुई है, एक पोर्शन ये भी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में भी आपको दो कंडक्टर्स नजर आ रहे होंगे, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, इनमें भी फर्क है। अब इनमें क्या फर्क है इसको भी नोट करते हैं। ओके।
इस बार इन दोनों कंडक्टर्स में जो कॉमन है वो है इनकी लेंथ। जितनी लेंथ इस वाले कंडक्टर की है उतनी ही लेंथ इस वाले कंडक्टर की भी है, तो फिर फर्क क्या है? जी बिल्कुल, फर्क भी आपके सामने नजर आ रहा होगा, आप लोग का हो सकता है जवाब भी दे रहे होंगे। एंड दैट डिफरेंस इज व्हाट? इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें से चार्जेस उतने ज्यादा फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस ज्यादा फ्लो करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा, और जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें से चार्जेस कम फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस कम फ्लो करेंगे इसका मतलब उसमें करंट कम फ्लो करेगा। इसका मतलब मैं कहूंगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो इसमें करंट कम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो इसमें करंट ज्यादा। ओके, करंट के कम होने की मकसद, करंट के कम होने का मतलब होता है कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। करंट के ज्यादा होने का मतलब होता है रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां पर करंट कम है तो यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर करंट ज्यादा है तो यहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एंड दैट फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो किस्म के प्रोपोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करोगे दूसरा कम हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा उतना ही कम हो जाएगा, इसको कम करोगे तो ये उतना बढ़ जाएगा। तो लेंथ को कम, सॉरी एरिया को कम कर रहे हैं तो करंट बेसिकली कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इस चीज को अब आप कैसे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सिंबॉलिकली लिखते हैं, जैसे वहां पर आपने सिंबल्स को यूज किया था, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इस वाली इक्वेशन को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर, सॉरी वन हो चुकी थी, इट विल बी टू। तो अब हमारे पास दो रिलेशंस आ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दो पॉइंट्स का बड़ा अहम मकसद है, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। एक और दफा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंथ के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, एरिया के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, अब एक काम ही करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें फॉर्मूला या इक्वेशन बनानी होती है तो इस किस्म के रिलेशंस को हम हमेशा कंबाइन करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस, कौन कौन से रिलेशंस, इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे? दोनों के लेफ्ट साइड के ऊपर जो आ रहा है दैट इज आर, इट इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू लेंथ एंड इनवर्सली टू एरिया। जो पहले आपने अलग अलग लिखे थे अब आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। रीड आप अभी भी ऐसे ही करेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके, अगेन वही वाली बात, जब भी इस साइन को जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी आप इसको रिमूव करते हैं तो इक्वल के साथ आपको कोई ना कोई कॉन्स्टेंट पुट करना होता है। ओके, लेट्स पुट द कॉन्स्टेंट। So, R हमेशा वहीं रहेगा, साथ में आ जाएगा इक्वल, और इक्वल के साथ आपने एक कॉन्स्टेंट पुट करना है, एंड दैट इज दिस। मैं इसको P रीड नहीं करूंगा, इसको हम क्या रीड करते हैं मैं आपको भी बताता हूं। ओके, देन L एंड डिवाइडेड बाय एरिया, ये बन गया फॉर्मूला रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A फॉर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड वॉट अबाउट दिस सिंबल? ओके, ये जो सिंबल है ये एक ग्रीक लेटर है, इस सिंबल को हम आर एच ओ यानी कि रो के नाम से जानते हैं। इसको कभी पी प्रोनाउंस मत करिएगा, ये मिस्टेक हो जाएगी, मतलब लोग समझेंगे शायद आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई कि आप इसको पी रीड कर रहे हैं। इट इज अ ग्रीक लेटर और इस ग्रीक लेटर का जो नाम है वो है रो। अब सवाल पैदा ये होता है, चलो ये तो सिंबल का नाम हो गया, इस सिंबल को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए बेसिकली? सो यहां पर हम लिख देते हैं कि रो इज अ कांस्टेंट। रो मतलब मैं अब बार बार आर एच ओ नहीं लिखूंगा बल्कि इसका सिंबल यूज करूंगा। ओके, रो इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज
अब इसका नाम लिखते हैं, विच इज नोन एज, हमारा टॉपिक का नाम पता है आपको क्या है? जी बिल्कुल, जो टॉपिक का नाम है ये इस कॉन्स्टेंट का नाम है, ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का एक नाम और होता है, और इस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों नाम याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं, अगर कहीं पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही हो फौरन समझ जाना कि हम रेजिस्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या बना आपने, आर एच ओ रो, इसको रो रीड करिएगा, पी रीड मत करिएगा, ठीक है। सो ये बन गया इसका फॉर्मूला। एक काम ही करते हैं, इस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। अरेंज किसके लिए करते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी, जब भी हम कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला पढ़ने के बाद उसको हम अरेंज करते हैं उसके एस आई यूनिट को चेक करने के लिए। भाई मुझे तो पता है कि कैपिटल आर, हमने कल भी पढ़ा, कैपिटल आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओम्स। लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। एरिया, एरिया किसी भी चीज का हो, कंडक्टर का हो, किसी भी चीज का हो, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। बात रह गई किसकी, इस रेजिस्टिविटी की। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो एक काम ही करते हैं, इस फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब ये कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट सपोज ये जो एरिया है ये इसके साथ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, रेजिस्टेंस के साथ जाके डिवाइड करेगी। सो क्या बनेगा, आर ए डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसे ही है, कैसे बना ये फॉर्मूला, ये ए उसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है और ये लेंथ इसके साथ जाके डिवाइड कर रही है। ये बन गया रेजिस्टिविटी का, यानी के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसके यूनिट्स पुट करते हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओके। अब हम पता लगाते हैं इसको यूनिट को, रो इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यूनिट पुट करता हूं आर का, आर फॉर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स। और ओम्स का मैंने आपको कल बताया था, इसका जो सिंबल होता है दैट इज ओमेगा, तो मैं यहां बना देता हूं ओमेगा इसका सिंबल, ठीक है। देन इन मल्टीप्लीकेशन दैट इज एरिया, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर आ रहा है एल, एल फॉर लेंथ, और एल का मतलब मीटर्स, मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। आगे चलते हैं, ओके, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, नीचे जो मीटर था वो खत्म हो गया, ऊपर फिर भी एक मीटर बचा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ओम इनटू मीटर। ये बन गया एस आई यूनिट किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी को हम जो मेजर करते हैं वो मेजर किसमें करते हैं, ओम मीटर के अंदर, और रेजिस्टेंस को हम जो मेजर करते हैं वो हम किसमें करते हैं, सिर्फ ओम्स के अंदर। फर्क समझ आया, अगर फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं इसका मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होते हैं, वो दो एक चीजें नहीं हो सकते अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो। तो रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी फर्क रखिएगा, रेजिस्टेंस एक अलग चीज होती है उसका अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टिविटी एक अलग चीज होती है उसका अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन ओम मीटर्स, ओके। सबसे लास्ट के अंदर हम लोग क्यों ना खत्म करें इस रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन से, और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को आप इसके फॉर्मूले से बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। कैसे रीड कर सकते हैं, देखो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ और इसका यूनिट एरिया कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इट इज अ कॉन्स्टेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये बात ध्यान में रखिएगा, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो दो पॉइंट्स लिखवाए थे मैं इसकी बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ पर और कंडक्टर पर, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, इट इज अ कॉन्स्टेंट, ये डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ जाता है रेजिस्टेंस के अंदर और रेजिस्टिविटी के अंदर, क्या फर्क आ जाता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाइल
रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना तो लेंथ पर ना एरिया पर, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, ये डिपेंड जरूर करती है, और वो दो फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करती है, दोज टू फैक्टर्स आर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।